नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू एपिसोड बिहार वाला। दोस्तों मैं गल्फ जॉब के बारे में बताता रहता हूं, कंपनी के बारे में आप सभी को बताता रहता हूं, ताकि आप लोग ख़राब कंपनी में जाकर ना फंसे। दोस्तों वैसे ही आज मैं एक और कंपनी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, जो कंपनी कुवैत का है और इसका वैकेंसी अक्सर इंडिया में सबसे ज़्यादा आता रहता है। दोस्तों गुजरात में, मुंबई में सबसे ज़्यादा इसका वैकेंसी आता रहता है। दोस्तों अब बहुत सारे आदमी इसमें हमारे इंडिया से जाते भी हैं। दोस्तों आज मैं उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, तो जो फर्स्ट बार उस कंपनी में जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो इस कंपनी में जाने से। दोस्तों चलिए बताता हूँ उस कंपनी के बारे में। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑफ प्रेस करके दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आप लोग देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर आए दिन एक वीडियो आता है, आए हर रोज़ किसी ना किसी भाई का वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कहीं दुबई से आया होगा या सऊदी से आया होगा या ओमान से आया होगा या अन्य कंट्री से आया होगा। दोस्तों उस वीडियो में यही रहता है कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, मेरे को घर आना है, कंपनी मेरे को घर में नहीं आने दे रहा है, कंपनी हमसे इतना पैसा चार्ज कर रहा है कि इतना पैसा दो उसके बाद घर जाओ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग ये बात सबसे मैंने याद रखिएगा, आप लोग किसी भी कंपनी में जाएंगे, जो बड़ा कंपनी होगा तो आपसे पैसा चार्ज तो कभी करेगा नहीं, वो तो आपका तबीयत ख़राब हो गया कुछ भी होगा वो तो आपको घर भेज देगा, ऑनलाइन टिकट का पैसा आपका लगेगा। लेकिन जो छोटा मोटा कंपनियाँ हैं, यानी कि छोटी कंपनियाँ हैं, छोटा मोटा जो रोड छाप कंपनी है, उसमें अगर आप लोग जाके फंस जाते हैं, आप लोग अगर फंस गए उसमें तो आप लोगों से वो पैसा चार्ज करेगा ही। इसलिए वो जो भी वीजा है फ्री में आपको बुलाता है, एक रुपया भी वो आप लोग जिस ऑफिस से गए हैं, जिस एजेंट से गए हैं, एक रुपया भी उन पर चार्ज नहीं बोलता है कि मेरा वीजा का पैसा इतना आप लोग भरिएगा तो मैं आदमी बुलाऊँगा, वो बिल्कुल फ्री में आपको बुलाएगा। और दूसरा बात है, जो भी पैसा लेते हैं, जो बीच में एचआर होते हैं, ऑफिस वाला होता है, एजेंट होता है, ये सब पैसा आपका लेते हैं, कंपनी एक रुपया भी आपका पैसा नहीं लेता है। दोस्तों वहाँ पे अगर आप लोगों को मान लीजिए दुबई कंपनी कोई बुलाया, छोटा कंपनी हो, तो आपका सिक्योरिटी मनी भरा है, उसके बाद आपका वीज़ा लगाया है, उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस बनवाया है। दोस्तों कंपनियों का बहुत खर्चा पड़ता है, ठीक है, एक आदमी के पीछे बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, इसलिए जो छोटा कंपनियां हैं अपना लॉस नहीं झेलना चाहती, वो सोचती है कि भाई जो आदमी ऐसे कर रहा है, काम कर आया है और काम बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो घर जाना चाहता है, तो उससे कंपनियाँ पैसा चार्ज करती है, ठीक है। आप लोग छोटे कंपनी बहुत आदमी देख के बोलते हैं कि मैं यहाँ वो काम थोड़ा ज़्यादा करवाती है, तो वो बोलते हैं कि मैं इस कंपनी में नहीं रहूँगा, घर जाऊँगा, तो उनसे कंपनियाँ इसलिए चार्ज करती है कि भाई आप इतना पैसा भरो उसके बाद जाओ। बहुत आदमी हैं जैसे हैं जो काम करने के डर से बोलते हैं तबीयत ख़राब हो गया है, अरबाब दवा नहीं करा रहा है, उसके चक्कर में जिनका तबीयत हकीकत में भी ख़राब हुआ है, यानी कि जिनका तबीयत बीमारी हकीकत में भी बीमारी हुआ है, उस आदमी को भी वहाँ का कंपनी बोल रहा है कि भाई तुमको बीमारी नहीं हुआ है। बहुत आदमी ऐसे जा रहे हैं और जा के बोल रहे हैं हमको बीमारी हुआ है, उनके चक्कर में जिनका तबीयत बिल्कुल ख़राब है उनको भी कंपनी समझ रहा है कि इनको बीमारी नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए इलाज नहीं करा रहा है, बहुत सारा ऐसा कंपनियां अभी। तो दोस्तों आप लोग जो भी हैं भाई स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर गल्फ कंट्री में या किसी भी देश में जा रहे हैं तो कंपनी से या किसी भी अधिकारी से आप लोग झूठा ना बोले कि मेरा तबीयत ख़राब है, आप लोग काम नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए काम नहीं करेंगे हम, इंडिया जाएंगे, और जो काम करना चाहते हैं भाई वो अमन ला के काम करें, कहीं पर भी गए हैं तो अगर चले गए हैं तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है इसको। दोस्तों यह एक कुवैत का कंपनी है और दोस्तों ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी का फुल फॉर्म है इंटीग्रल सर्विस कंपनी। दोस्तों इसका काम क्या क्या कराता है पहले आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों इसका काम है जनरल रिपेयर्स, गटर क्लीनिंग, जनरल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये ऑयल एंड गैस प्लांट में भी काम कराता है, इसका बहुत सारा काम है। दोस्तों ये फैब्रिकेशन का भी काम कराता है। दोस्तों यह कंपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है कुवैत में, इसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंडिया में, बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसका आता रहता है। दोस्तों इसका सैलरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका सैलरी जो हेल्पर होते हैं मैकेनिकल हेल्पर उनका सैलरी 90 KD से ऊपर होता है, 90 KD यानी 95 KD तक सैलरी रहता है इसमें, और उसके बाद कंपनी का खाना रहता है 8 घंटे का ड्यूटी का सैलरी है। दोस्तों
जो 90 KD है, 8 घंटे का सैलरी है, उसके बाद कंपनी का खाना है, उसके बाद कंपलसरी इसमें 2 से 3 घंटा ओवर टाइम ही नहीं जाता है दोस्तों, 2 से 3 घंटा इसमें ओवर टाइम है। जो ट्रेड वाले हैं, सिर्फ पाइप फिटर हो गए, पाइप फैब्रिकेटर हो गए दोस्तों, जो पाइप फिटर हैं उनका सैलरी 120 से 150 के बीच में रहता है दोस्तों, यानी 150 KD और 120 के बीच में पाइप फिटर का सैलरी है, 160 KD के ऊपर पाइप फैब्रिकेटर का सैलरी है दोस्तों। यह कंपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें फ्री फूड है, इसका जो खाना भी है वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खाना भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसमें जाएंगे तो आप सभी को कुछ परेशानी होने वाला नहीं है, यह एक बहुत ही अच्छा कंपनी है दोस्तों। इसका रहने का जो कैंप है वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। 2 साल में आप सबको लीव सैलरी मिलेगा, 2 लीव सैलरी है, बोनस है। अगर आप लोग फाइनल नहीं आना चाहते हैं तो आने जाने का, आने का टिकट भी, रिटर्न टिकट भी कंपनी देगा। आप लोग इस कंपनी में जाके सेटल हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। दोस्तों कुवैत में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इस कंपनी में जाइए, इसको में आप सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है दोस्तों। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कंपनी से संबंधित आप सभी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए।